मिस्टर शिल्पा शेट्टी भी नहीं रोक पाई खुद को दर्द झलकाए बिना। सोहा अली खान भी नहीं रोक पाई खुद को दर्द झलकाए बिना। राजकुमार राव भी नहीं रोक पाए खुद को दर्द झलकाए बिना। शिल्पा शेट्टी, श्रुति, हसन तक सबने अपनी तरफ से, ऋचा चड्ढा ने अपनी तरफ से यही बात की है कि ये बिलीव नहीं हो रहा, अब इरफान को वो नहीं देख पाई। शिल्पा ने कहा, आई एम नम टू टुडे, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है, ना मैं कुछ सोच पा रही हूँ, ना सुन पा रही हूँ, ना कुछ महसूस हो रहा है और ना ही कुछ भी अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा कि मैं अब तक यकीन नहीं कर पा रही हूँ, ब्रिलियंट क्वेक्टर और फैबुलस पर्सन इरफान खान अब हमारे बीच है नहीं, अब वो हमेशा थे कहलाए। एक जम को खो देने का गम क्या होता है ये वाकई में आज एहसास हो रहा है। उनकी लजीसी हमेशा, उनके फिनामिनल काम करने के अंदाज को हमेशा याद किया जाएगा। ये तो शिल्पा शेट्टी ने कहा, श्रुति हसन ने भी ऐसे ही कहा। अमिताभ बच्चन से लेकर सलमान, ऋतिक से लेकर माधुरी दीक्षित, करीना से लेकर प्रियंका, अक्षय से लेकर इमरान हाशमी, फरहान अख्तर तक यही कह रहे थे। ऋचा चड्ढा ने भी कहा, गुड, आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ही इज गॉन, यू लीव ऑन थ्रू योर वर्क, योर लेगेसी, यू वेयर अ काइंड एंड एवरेज सॉल, होप यू आर इन अ बेटर प्लेस सर, कॉन्फिडेंस टू सुतापा मन, रियली हार्ट ब्रोकन। इसी तरह से श्रुति हसन ने भी अंतिम विदाई। बता दें हम आपको इसी के साथ साथ श्रुति हसन ने जो कहा वो भी आप ज़रूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि श्रुति हसन बॉलीवुड के सितारों के लिए जब भी कम आती हैं तो वो खुलकर बात करती हैं। श्रुति ने भी कहा, गुड बाय सर, बस थैंक यू कहना चाहती हैं वो, क्योंकि वो जो थी उन्हें वो कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने सिर्फ रोशनी दिखाई। राजकुमार राव ने गम में कहा है कि वो अपनी इच्छा पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि ये ना सिर्फ नुकसान है फिल्म इंडस्ट्री को, देश को, बल्कि पूरी दुनिया भर में एक शानदार आर्टिस्ट थे इरफान खान, जिनके साथ काम करने का उनका सपना था। और आयुष्मान खुराना ने भी ऐसे ही तकलीफ बयां की। और तो और सोहा अली खान ने भी कहा, इट वॉज सच अ प्रिविलेज टू सी हिज टैलेंट एंड टू लर्न फ्रॉम हिम, इट्स अ ह्यूज लॉस फॉर आवर इंडस्ट्री, ही विल बी मिस्ड। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति।